अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे ढाबा स्टाइल चिकन भुना मसाला रेसिपी। घर पर ही बनाकर रेडी करेंगे। अब क्या करेंगे, 2 एंड 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देना है। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद ये देखिए, 1 टीस्पून ज़ीरा ले ली मैं, 1 टीस्पून शाह ज़ीरा, लौंग इलायची और चकला तेज पत्ता। अब अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाना है खड़े मसालों का। इस बेस पे क्या करेंगे अपन, देखिए इस बेस पे 2 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड कर देना है। प्याज ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करना नहीं है, बस इतनी ही ऐड करना है। अब इसको अच्छे से सॉफ्ट होने देंगे अपन प्याज को, देखिए इस तरह से सॉफ्ट हो जाना है। ये देखिए 1 किलो चिकन है, ये 1 केजी चिकन ले ली मैं, अच्छे से वॉश कर ली। अब इसको इस तरह से ऐड कर देंगे पूरा, और फ्लेम पूरा फुल रखना है, फ्लेम फुल रखना है। अब इसमें देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे अपन, 1 टीस्पून, नमक 2 टीस्पून ऐड कर देंगे। अब देखिए इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे 2 टीस्पून। अब 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। अब इसको फुल फ्लेम पर ही अच्छे से भून लेंगे, और पानी बिल्कुल ऐड करना नहीं है, इसमें ही भून लेना है। इस तरह से फुल फ्लेम पर ही भून लेंगे अपन चिकन को अच्छे से मसालों में पूरा। जितना आप भूनेंगे उतना टेस्टी हमारा चिकन भुना टेस्टी बनकर रेडी होता। इस तरह से फ्लेम एकदम फुल रखिए। अब क्या करेंगे अपन, देखिए भूनते भूनते 5 मिनट हो गए हमारे। अब क्या करेंगे, 3 टमाटर ले ली मैं मीडियम साइज़ के, इसको अच्छे से पीस ली मैं, एक अच्छा सा पेस्ट बना ली। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लेकर पेस्ट बना लेना है, इसको इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम बिल्कुल फुल ही रखना है। अब क्या करेंगे, 100 ग्राम दही डालेंगे, दही की क्वांटिटी भी थोड़ी कम ही रखना है। 100 ग्राम दही डाल देंगे अपन इसमें। अब देखिए उसमें ही थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे अपन वही बॉल में। अब इसके बाद पानी ऐड करना नहीं है अपने को, इसमें ही पानी छुड़ता पूरा चिकन का, टमाटर का और दही का, उसमें ही चिकन हमारा अच्छे से सॉफ्ट गल जाता। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अच्छे से पूरा मिक्स कर लेंगे पूरा। अब इसको कवर कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया डाल के, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे अपन। उसके बाद फिर से मिक्स कर लेंगे। अब क्या करेंगे, कवर कर देंगे। अब क्या करेंगे, लो फ्लेम रख देंगे चिकन गलने के लिए, लो टू मीडियम रख सकते हैं आप लोग। इस तरह से देखिए पानी अपन डाले नहीं, इस तरह से पानी पूरा अच्छे से अब भून लेंगे अपन इसको, पानी पूरा सूखे तक, पूरा ड्राई हो जाना है पानी पूरा चिकन का। अब क्या करेंगे, इसमें ड्राई हुए तक इस तरह से ही छोड़ दी मैं, इस तरह से अभी थोड़ा सा ड्राई होना है, पानी पूरा अच्छे से सूख जाना है। जितना ड्राई हुआ उतना टेस्टी बनकर रेडी होता है ये चिकन भुना। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें ऑयल थोड़ा थोड़ा सेपरेट हो रहा, पुदीना हरा धनिया और हरी मिर्च है, पूरा हरा मसाला इसमें ऐड कर देंगे अपन। अब देखिए आधा नींबू का जूस ऐड कर देंगे, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए, रोटी से, चपाती से, चाहे नान से, बिल्कुल टेस्टी और ज़बरदस्त बनकर रेडी होता है ये चिकन भुना, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए आप लोग। अब क्या करेंगे, देखिए ड्राई हो गया हमारा अच्छे से चिकन का पानी पूरा। अब इसमें और थोड़े से मसाले ऐड कर देंगे, इसमें देखिए 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दी मैं। अब धनिया पाउडर ऐड कर देंगे 2 टीस्पून। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, देखिए परफेक्टली बनकर रेडी हो गया। इस तरह से ही होना है ग्रेवी हमारी
चलिए डिश आउट करके बताऊंगी मैं, ये ज़रूर ट्राई कीजिए, एकदम यूनिक तरीके से टेस्टी ज़बरदस्त बनकर रेडी होता। चलिए डिश आउट करके बताऊंगी मैं, इस तरह से तेल सेपरेट हुए तक बनाना है, इस तरह से तेल पूरा हमारा सेपरेट हो जाना है। चलिए ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।